जिंदगी में कुछ पलों को जीने के लिए हम लोग सिर्फ सोचने में ही सारा वक्त गवा देते हैं, और फिर जब उन पलों को जीना होता है तो वक्त कम रह जाता है। तो क्यों ना हम सोचने की बजाय इन पलों को जीने में शुरू हो जाएं? तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंतज़ार। इंतज़ार उस पल का है जो मैं ना भी बोलूं तो वो सब समझ जाए। इंतज़ार उस पल का है जो मैं उसे सोचूं तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाए। इंतज़ार उस पल का है मैं दोस्तों को मिलने बुलाऊं और बिना नखरे करे वो मुझसे मिलने आ जाएं। इंतज़ार उस पल का है मैं सोने लगूं तो माँ गोदी में सर रख कर मुझे लोरी सुनाए। इंतज़ार हर उस पल का है कि ये सारे सपने सच हो जाएं। तो छोड़ो ये सोचना, क्यों ना इन सबको हम हकीकत बनाएं। तो उठो, फ़ोन उठाओ और दोस्तों को बुलाओ, जो नखरे करे दो चार गालियां देकर उनको समझाओ। बिना वजह के भी मिलने का सीन बनाओ, जिंदगी एक ही बार मिलेगी दोस्तों, इसे यूं ना गवाओ। तो उठो और दोस्तों को मिलने को बुलाओ, इस इंतज़ार को और इंतज़ार ना कराओ। माँ से मिलने के लिए भी इतना क्या सोचना, माँ से मिलने के लिए भी इतना क्या सोचना, वो तो एक फ़ोन कॉल से ही खुश हो जाएगी। माँ की ममता ऐसी ही है दोस्तों, बिना कुछ चाहे वो तेरी एक कोशिश पे अपनी सारी खुशियाँ लुटाएगी। बस उनके साथ बैठकर कुछ वक्त गुजार लो, मेरा दावा है जिंदगी भर की कमाई तुम्हारी शून्य हो जाएगी। तो उठो और अपनी माँ को फ़ोन मिलाओ, इस इंतज़ार को इतना इंतज़ार ना कराओ। यहाँ तक तो सही, मगर इसके आगे कुछ लोगों की सुई अटक सी जाती है। दरअसल जब बात उनसे बात करने की आती है, काश बिना लफ्ज़ों के भी कुछ लोग बात समझ जाते। फासले फिर यूँ उनके दरमियाँ इस कदर ना आते। तो बयां करो हर जज्बात को, क्यों तुम गुम सी हो, क्या पता उस आशिक की आशिकी सिर्फ तुम ही हो। जरिया जो भी हो, मगर बात अपने दिल की उन तक पहुंचाओ। तो देर किस बात की, फ़ोन करो या सीधा उनसे मिलने चले जाओ। इंतज़ार इस पल का है कि ये सब सपने सच हो जाएं। तो चलिए अब इस इंतज़ार को और इंतज़ार ना कराएं। उठिए और अपने दिल की बात अपने लोगों तक पहुंचाएं।